ने कहा हमें तो छोड़ो, हमने कहा छोड़ो। सूरज ने हम पे हाथ उठाया, चोट पहुंचाई हमें। पता नहीं वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्या बिगाड़ा है हमने उसका। न जाने किस भूल भुलैया में खो गए हम, कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं जिसे हम अपना पति समझ रहे हैं वो हमारा पति है भी या नहीं। अगली बार जब हम ये वीडियो देखें तो हमें याद रहे कि हमें उस आदमी पे विश्वास नहीं करना है। हम यहाँ से भाग रहे हैं, हमें डॉक्टर एंजी से मिलना है। कौन हो तुम? वो मैं सोशल सोसाइटी की तरफ से आई हूँ डोनेशन के लिए। यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी तुम तो? और क्या करें, तुम्हारे जाल में फंस के बैठे रहे। बहरूपिये हो तुम, नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। कहीं नहीं जाओगी तुम, यही रहोगी। तुम्हारी इजाजत के बिना एक कदम भी इस घर के बाहर नहीं निकाल सकती तुम, समझी? एंजी मतलब अंजोर, लगता है तुमसे मिलने का समय आ गया है अंजोर। ओ गॉड, चकोर मम्मा अभी तक नहीं आई। हे भगु जी, प्लीज उनकी मदद करना। ये राघव यहाँ क्या कर रहे चकोर मामा फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे घर जाके चेक करना होगा। मैं पूनम मॉम को फोन करके इन्फॉर्म कर देती हूँ। मामा, 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 कहाँ है मामा? लगता है मम्मा यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। मुझे भी निकलना चाहिए। तुम दूर हो मुझसे। सुनो हमारी बात, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमारी बात सुनो। मैंने कहा दूर रहो मुझसे, वरना। वरना क्या, क्या कर लोगी तुम? हाँ, मम्मा कहाँ? सुनो ये गन नीचे करो। मैंने कहा मेरी मम्मा कहाँ है? अरे गोली चल जाएगी तो मर जाएंगे हम। एक और कदम आगे बढ़ाया ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। I can't believe it, तुम्हारे जैसे इंसान के लिए 10 साल पहले मम्मा ने मुझे छोड़ दिया। वो हमारी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम रो वरना मैं गोली चला दूंगी। गोली चला दूंगी,
गन उठाना अलग बात है, गन चलाना अलग बात है। ये ट्रिगर नहीं दबेगा तुमसे बेटा। आगे मत बढ़ो वरना गोली चल जाएगी। गन दो हमें। मेरे कहा दूर रहो। छोड़ो, छोड़ो। जिद्दी क्यों हो तुम? हमें भी मजबूर कर दिया तुम पर गन तानने के लिए, लेकिन अब हमारी बात सुनोगी तुम? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं है, समझी? इसे चुपचाप सुनो। हम तुम्हारी मम्मा को बचाना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते। ये बातों से तुम मम्मा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। झूठ बोलना बंद करो। झूठ नहीं बोल रहे हम। हम तो तुम्हारी मम्मा से प्यार करते हैं, अपनी मैडम से। पिछले 10 सालों से उनसे दूर रहे हैं, उनके ही कहने पर। और जो इंसान उनसे प्यार करता है कैसे मार सकता है उनको? हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। अंजोर इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी। हम अपनी खुशियों के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला नहीं घोट सकते। हमें माफ कर दो। जब उस दिन सीतापुर में हमने अस्पताल में देखा उन्हें, उस हालत में से रहा नहीं गया। उनका ख्याल रखने के लिए यहां पर ले आए, उनका इलाज करवाने के लिए। हम जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, इसमें एक बात भी झूठ नहीं है, हमारा विश्वास करो। नहीं, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं करूंगी। तुम्हें हमारा विश्वास करना पड़ेगा। झूठ बोल रहे हो तुम, बहुत झूठ बोल रहे हो तुम। अगर तुम मेरी मम्मा से प्यार करते ना तो उन्हें लॉक करके नहीं रखते। अगर उन्हें चाहते ना के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करते। हमें किसी पर गुस्सा करने का कोई शौक नहीं है। अगर हमने उन पर गुस्सा किया अभी तो उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। कैसे विश्वास दिला? ये दवा देख रही हो तुम? लो पढ़ो इसका नाम और नेट पे सर्च करो इसके बारे में, पता करो क्या है ये। ये वो दवा है जो डॉक्टर ने कहा था मैडम को देने के लिए, लेकिन जब हमने इसके बारे में पता किया तो हमने ये जाना कि इस दवा की ओवरडोज से इंसान पागल तक हो सकता है, उसकी जान तक जा सकती है। इसलिए ये दवा नहीं दी हमने तुम्हारी मामा को। अगर हमारे मन में उनके लिए मैल होती तो यहां पर लाते, उनका इलाज करवाते। और जरा सोचो उस दिन उस पार्टी में क्यों लेकर गए हम उन्हें? क्योंकि हमें उनकी चिंता है। हम चाहते थे कि वो वहां जाएं, उनका माहौल बदले और वो ठीक हो जाए। पर हमें क्या पड़ी है? क्योंकि हम तो जानते हैं अगर किसी को पता चल गया हमारे बारे में हमारा भांडा फूट जाएगा। और अगर हमें तुम्हारी मम्मा को मारना होता तो यहां आजादगंज क्यों लेकर आते? कहीं और ले जाते जहां उन्हें कोई जानता ही नहीं है। इसका मतलब मम्मा को कोई मारना चाहता है? कौन मानना चाहता है? तुम कौन कैसे है, क्या है, क्या हो रहा है, सब कुछ बताएंगे हम तुम्हें, सब कुछ। सारे सवालों का जवाब मिलेगा तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है। वक्त है तुम्हारी मामा को ढूंढने का, इसलिए हमारा साथ दो, हमारी मैडम को तुम्हारी मामा को ढूंढने में। बताओ ना, हमारा साथ दोगी तुम?
मम्मा के लिए। तुम्हारी मम्मा घर पे नहीं है, बाहर भाग गई हैं। हमें भी उन्हें बाहर ढूंढना होगा। देखो चकोर ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी। लेकिन अलग अलग ढूंढते हैं, तुम उस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। ठीक है मम्मा। मिली मम्मा? नहीं, कहीं भी नहीं। करने नहीं आया है, इसने हमें धक्का दिया था और हमें चोट पहुंचाई है। मार देंगे इसको। नहीं नहीं, देखिए इनसे गलती हो गई थी, इन्हें माफ कर दीजिए। कोई गलती नहीं हुई है, आप नहीं जानती है इसे। हम इसे नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे हम इसे। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी डॉक्टर हूं ना, और मेरा तो काम है आपको प्रोटेक्ट करना। मेरे होते हुए आपको कोई भी हार्म नहीं कर सकता। आप मुझ पे ट्रस्ट करती है ना, प्लीज ये पत्थर दे दीजिए। आप चलिए मेरे साथ, इन्हें लेकर वहां पर आओ। हाँ चले। आप इधर बैठ जाइए। तुम लोग हमारा यहीं पर इंतजार करो, हम गाड़ी लेकर आते हैं। हमारे आने तक कहीं पर जाना मत। ख्याल रखना। ये फोन क्यों नहीं लग रहा है अंजी का? अगेन इट्स नॉट रीचेबल। अगर अंजी को पता चल गया कि ये सब के पीछे मेरा हाथ है तो जिंदगी भर नफरत करेगी मुझसे। राघव अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया? की जान खतरे में है, हमें कैसे भी करके उन्हें सेफ जगह ले जाना पड़ेगा। आप मेरी हेल्प करेंगी ना? चकोर को किससे खतरा है? ये सवाल जवाब बाद में करेंगे, आप प्लीज मेरे साथ आइए। आइए
डॉक्टर एंजी आप डॉक्टर डॉक्टर एंजी चकोर जी ये मेरी मॉम नमस्ते नमस्ते चलिए आप हमारे साथ हाँ आप अब हमारे साथ चलिए आइए क्या हुआ आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं आप बिल्कुल परेशान मत होइए आप हमारे साथ ठीक रहेंगे चलिए मॉम भाई साहब यहाँ पर दो लड़कियां थी उनको देखा आपने कौन सी लड़की अरे एक हमारी वो नहीं हमने नहीं देखा किसी को भैया यहाँ पर दो लड़कियां थी उनको देखा आपने एक हमारी उम्र की एक छोटी थी नहीं साहब नहीं देखा कहाँ चले गए ये लोग एनजी को फोन करते हैं करना चाहते हैं वो उपलब्ध नहीं है कहीं किए जा रहा है मैं उठा नहीं छोड़ना कोई भी होगा ओके अगर एंजी को पता चल गया कि चकोर की इस हालत के पीछे हमारा हाथ है तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी कहीं ये पूनम कोई खेल तो नहीं खेल रही हमारे साथ कहीं मैडम पर कोई खतरा तो नहीं मंडरा रहा नहीं हमारी मैडम को कुछ नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हमें पता था ये पूनम कभी भी हमें धोखा दे सकती है इसीलिए ये ट्रैकिंग ऐप हमने उसके फोन पे डाल दी थी जब भी कोई काम होता है फोन बंद हो जाता है अब सुनिए एक जरूरी कॉल करना है हमें आपका फोन इस्तेमाल कर सकते हैं हम हमने तो तुम्हारा इतना इस्तेमाल किया है तुम फोन तो इस्तेमाल कर ही सकते हो लो हो गया राघव लग नहीं रहा है फिर भी धन्यवाद पूनम बहुत तेज है हमें इस पे नजर रखनी होगी अब तुम जहां भी जाओगी पूनम हमें सब पता चल जाएगा हमारी मैडम को कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं होने देंगे हम उन्हें For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.